स्वागत है आपका IPL 2019 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब की और बात करेंगे कि वो कौन से चार फॉरेनर प्लेयर होंगे जो कि किंग्स इलेवन पंजाब की प्लेइंग इलेवन में हमें दिखाई देंगे शुरुआती मैचों में। तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में टोटल 8 फॉरेनर प्लेयर हैं IPL 2019 के लिए, जहां पर दोस्तों मुजीबुर रहमान है, पूरन है, डेविड मिलर है, क्रिस गेल, एंड्रे टाय, सैम करन, मोइजिस हेनरिकेस और एच विलोजेन। ये है टोटल 8 फॉरेनर प्लेयर जो कि किंग्स इलेवन पंजाब के स्क्वाड में है। और दोस्तों सभी के सभी जो है वो प्लेइंग इलेवन में खेलना डिजर्व करते हैं, लेकिन इनमें से दोस्तों 6 ऐसे नाम है जो कि सबको लग रहा है कि प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे, जिनमें दोस्तों क्रिस गेल है जो कि ओपनर है, उनके बाद पूरन जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, डेविड मिलर जो कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, सैम करन जो कि ऑलराउंडर है, इनके बाद एंड्रे टाय जो कि एक फास्ट बॉलर है और मुजीबुर रहमान जो कि स्पिनर है। ये है दोस्तों वो 6 प्लेयर जो कि लग रहा है कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे, लेकिन इनमें से कोई 4 ही प्लेयर है जो कि प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा सस्पेंस बन चुका है कि कौन से वो 4 फॉरेनर प्लेयर होंगे जो कि किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में हमें दिखाई देंगे। दोस्तों अगर बात करें यहां पर तो डेविड मिलर जो है वो प्लेइंग 11 से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मनदीप सिंह को लेके आए हैं ट्रेड कर जो कि एक बहुत ही अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, और जिस तरह से इनके पास अच्छे अच्छे फॉरेनर प्लेयर हैं ऐसे में डेविड मिलर जो है वो हमें बेंच पर दिखाई दे सकते हैं। दूसरे प्लेयर की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर क्रिस गेल भी हो सकता है कि हमें बेंच पर दिखाई दे, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों, जिस भी लीग में इस समय खेल रहे हैं क्रिस गेल, कहीं पर भी उनका बल्ला जो है वो चल नहीं रहा, और ऐसे में यहां पर मयंक अग्रवाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं ओपनिंग के लिए और क्रिस गेल जो है वो हमें बेंच पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि शुरुआती मैचों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर एक दो मैचों में फ्लॉप होते हैं क्रिस गेल तो हमें वो बेंच पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये दो प्लेयर जो है वो हमें बेंच पर दिखाई दे सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें हमें कौन से 4 फॉरेनर प्लेयर लग रहे हैं जो कि खेलते हुए नजर आएंगे प्लेइंग 11 में, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मुजीबुर रहमान होंगे जो कि एक अच्छे स्पिनर है, इनके बाद एंड्रे टाय होंगे, उनके बाद दोस्तों पूरन होंगे, और चौथे प्लेयर यहां पर सैम करन या फिर क्रिस गेल, इनमें से कोई एक जो है वो हमें खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन से 4 फॉरेनर प्लेयर होंगे किंग्स 11 पंजाब के जो कि हमें प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बेंच की अगर दोस्तों एक बार हम बात करें तो यहां पर एच विलोजेन है जिनके खेलने के चांसेस काफी कम है, और मोइजिस हेनरिकेस इनके भी खेलने के चांसेस जो है वो काफी कम है। तो आपको क्या लग रहा है कौन से 4 फॉरेनर प्लेयर होंगे किंग्स 11 पंजाब के जो कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।